नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर के गंगा जमुना में पुलिस की छापामार कार्रवाई, दो तलघर और सुरंग मिलने से मची खलबली। सगी मां द्वारा अपनी बेटी को 20 लाख में बेचे जाने का मामले के तहत खुलासा। नागपुर शीत सत्र की तैयारियों का लिया कैबिनेट मंत्री दत्तात्रेय भरने ने जायजा। नागपुर में शीत सत्र होगा या नहीं, इस पर मुंबई में होगा फैसला। और कुसी विवाद में बसपा पार्षदों के बीच हाथापाई, आशीनगर जोन का मामला। और अब खबरें विस्तार से। सगी मां द्वारा अपनी नाबालिग बेटी को तेह व्यापार के लिए 20 लाख रुपए में बेचने के मामले में शुक्रवार को शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगा जमुना रेड लाइट एरिया में छापेमारी की। बालिका को जिस अड्डे पर बेचा गया था, पुलिस को वहां दो तलघर और एक सुरंग मिली। पुलिस ने यहां से बदनापुर ग्वालियर निवासी मंगेश महेंद्र फुल सिंह छारी, भीलवाड़ा निवासी कुल्ली कंजर और राजकमल कंजर को गिरफ्तार किया, जबकि मंगेश की पत्नी रीना फरार बताई जा रही है। पीड़िता द्वारा लकड़गंज थाने में अपनी मां समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद ही पुलिस गंभीरता से काम कर रही है। पीड़िता के बयान पर गहनता से कार्य करते हुए शुक्रवार को पुलिस रेड लाइट एरिया में इस अड्डे पर पहुंच गई। ये अड्डा मंगेश ही चलाता था। पुलिस को देखते ही परिसर में हड़कंप मच गया। इस अड्डे में दो तलघर मिले, जहां देह व्यापार के लिए खरीदी और लाई गई लड़कियों को छुपा कर रखा जाता था। यही उनसे देह व्यापार भी कराया जाता था। अधिक तलाशी में पुलिस को एक सुरंग का भी पता चला, जहां से छापेमारी के दौरान आरोपी भागकर अक्सर गिरफ्तारी से बच जाते थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि मंगेश पीड़िता से जबरन देह व्यापार कराता था। आरोपियों में शामिल राजकमल मुख्य रूप से दलाल है, वह लड़कियों का सौदा करवाता था। पीड़िता की मां ने सबसे पहले राजकमल से ही संपर्क किया था। इसके बाद राजकमल ने 20 लाख रुपए में पीड़िता का सौदा करके कुल्ली को बेच दिया था। कुल्ली ने उसे मंगेश के अड्डे पर भेज दिया, जहां पीड़िता से देह व्यापार कराया जाता था। इस पूरे मामले में मंगेश की पत्नी रीना भी शामिल है। हालांकि छापेमारी के दौरान रीना मौके पर न होने से उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन उसे फरार घोषित कर पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पुलिस और भी गिरफ्तारियां कर सकती है। उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने लकड़गंज थाने में अपनी मां समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया कि देह व्यापार के लिए उसकी खरीद फरोख्त की गई। उसकी मां ने उसे चौथी बार 20 लाख रुपए में बेचा था। इसके पहले उसे 2017 में एक रिश्तेदार को बेचा गया था। उसका रिश्तेदार पीड़िता को मुंबई में डांस बार ले गया, लेकिन काम की इच्छा न देखते हुए उसे गांव वापस छोड़ दिया गया था। 2020 मध्ये एका अल्पवयीन मुलीला इथे आणलं होतं, तिला 20 लाख रुपयात विकत घेतलं गेलं होतं आणि तिच्याकडून जबरदस्तीने देह वापर करून तिच्या आलेल्या मिळकतीवर इतर दलाल लोक आपली उपजीविका करीत होते। परंतु ती मुलगी, अल्पवयीन मुलगी, या व्यवसायाकरता तयार नव्हती म्हणून एका ग्राहकाच्या मदतीने ती इथून पळून गेली, पुनश्च आपल्या गावी गेली। पण गावीसुद्धा तिची पुनश्च विक्री केल्या जात होती अशी तिला माहिती मिळाल्याने ती परत पळून नागपूरला आली आणि पोलीस स्टेशनला येऊन आम्हाला तक्रार दिली। त्या तक्रारीनुसार विविध कलमान्वयेत गुन्हा दाखल करण्यात आला। यामध्ये आम्ही आतापर्यंत 3 आरोपींना अटक केलेली आहे। अल्पवयीन मुलीस, पीडित मुलीस जेव्हा आम्ही इथे आणले त्यावेळेस तिने आम्हाला सांगितले की घटनास्थळ करताना की या ठिकाणी आम्हाला लपवल्या जात होतं, ते भुयार आता बंद आहेत, आम्ही ते भुयार शोधून काढले, खोदून काढले। त्यामध्ये आम्हाला असे आढळले की खालच्या मजल्यावर जे तळघर आहे त्या तळघरात एकूण 10 ते 12 मुली लपवल्या जात होत्या आणि वरच्या मजल्यावर भिंतीच्या आत जे भुयार आहेत त्यामध्ये 2 ते 3 ते 4 मुली लपवल्या जात होत्या। जो जेव्हा पोलिसची रेड व्हायची तेव्हा त्या मुलींना तिथे लपवल्या जात होतं आणि पोलिसची रेड झाल्यावर पुन्हा त्यांना बाहेर काढून त्यांच्याकडून पुनश्च जसे ते व्यवसाय केला जात होता, अशा प्रकारचे भीषण वास्तव या तपासादरम्यान उघड। तर आमचा पुढचा तपास सुरू आहे, त्या पुढील तपासात जसं निष्पन्न येईल त्यावर आपल्याला सांगायचं। कोविड संक्रमण की छाया में 7 दिसंबर से आरंभ हो रहे विधानमंडल के शीत सत्र की तैयारी आरंभ हो चुकी है। वरिष्ठ स्तर पर तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। इन सबके बीच सार्वजनिक निर्माण, वन एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने स्पष्ट किया है कि नागपुर में तैयारी आरंभ है, लेकिन सत्र नागपुर में होगा अथवा मुंबई में, इसका फैसला मुंबई में होगा।
सार्वजनिक निर्माण व वन सामाजिक प्रशासन मंत्री दत्तात्रेय भरणे यहाँ शीत सत्र की तैयारी की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने इस दौरान तैयारी को लेकर संतोष जताया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत की अध्यक्षता में 18 अक्टूबर को समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें कोविड की पार्श्वभूमि में विशेष तैयारी के निर्देश दिए गए थे। राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने गुरुवार को इसकी समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी मिमलार, अतिरिक्त आयुक्त संजय ठिवरे, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानु से उपस्थित थे। मंत्री भरणे ने इस दौरान विधान भवन, विधान भवन के बाहर के परिसर, विधायक निवास, रवि भवन 160 खोली परिसर, सुयोग पत्रकार निवास आदि स्थानों की सुरक्षा एवं पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा की। टेलीफोन, वाहन, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राकृतिक आपदा से निपटने की व्यवस्था, इंटरनेट, रेलवे आरक्षण, खानपान, स्वच्छता आदि की समीक्षा की। उन्होंने सभी तैयारियों को आरंभ रखने के निर्देश इस दौरान दिए। जिलाधिकारी विमला आर ने इस दौरान प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों पर प्रकाश डाला। शुक्रवार की दोपहर आसी नगर जोनल कार्यालय परिसर में उस समय अचानक माहौल गर्मा गया जब बहुजन समाज पार्टी के दो पार्षद कुर्सी के विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए। मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई तक हो गई। दोनों के समर्थक आमने सामने हो गए। इस बीच सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचने के कारण मामला शांत हो सका। पुलिस ने भी असंज्ञान का मामला दर्ज कर दोनों को शांत कराया। विशेषतः दोनों पार्षदों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत दर्ज की गई थी। शुक्रवार को आसी नगर जोन में सभापति वंदना चांदेकर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक शुरू थी। जोन सभापति के पास ही कार्यकारी अभियंता गिरीश वासनिक बैठे थे। दोपहर 3:30 बजे बैठक शुरू होते ही बसपा के गुट नेता जितेंद्र घोड़ेस्वार पहुंचे। उन्होंने सभापति के करीब बैठे कार्यकारी अभियंता को बाजू में कर स्वयं की कुर्सी वहां लगवा ली। इस कार्यप्रणाली को लेकर बसपा के निष्कासित पार्षद मोहम्मद जमाल ने आपत्ति दर्ज की, जिसका जवाब देते हुए घोड़ेस्वार ने गट नेता होने के कारण सभापति के पास बैठने का अधिकार होने की जानकारी दी, जिस पर जमाल ने भी इस तरह का कोई नियम नहीं होने का पलटवार किया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। किस तरह पीछे बैठे अन्य पार्षदों ने दोनों को पकड़ लिया, जिसे बैठक में तो मसला शांत हुआ किंतु बाहर निकलते ही फिर विवाद खड़ा हो गया। बैठक खत्म होते ही बाहर निकले दोनों पार्षदों के बीच पुनः विवाद शुरू हो गया। मोहम्मद जमाल का मानना था कि घोड़ेस्वार ने बाहर निकलते ही उनके गाल पर घूसा जड़ दिया, जबकि घोड़ेस्वार ने कहा कि जमाल ने सर्वप्रथम उनके साथ हाथापाई की। दोनों के बीच चल रही मारपीट की जानकारी समर्थकों तक पहुंच गई, जिससे दोनों के समर्थक तुरंत ही जोनल कार्यालय पहुंच गए। हालांकि कुछ लोगों ने झगड़ा रोकने का प्रयास किया किंतु मामला बिगड़ते ही चला गया। इस बीच पांचपौली थाना से पुलिस भी पहुंच गई। कोरोना काल में गत वर्ष महानगर पालिका की आय पर भले ही विपरीत असर पड़ा हो, लेकिन इस वर्ष कई विभागों में अच्छी आय हुई है। अधिकांश विभागों का प्रदर्शन अच्छा होने के बावजूद महानगर पालिका का अपनी संपत्ति पर ध्यान ही नहीं रहा है। यही कारण है कि अब तक स्थावर विभाग के राजस्व में नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थावर विभाग के राजस्व घटने की जानकारी स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने उजागर की। महानगर पालिका की स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने कहा कि संदर्भ में अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि गत वर्ष स्थावर विभाग से 2,09,00,000 की आय हुई थी, जबकि इस वर्ष अब तक 81,61,000 की आय हो पाई है। स्थावर विभाग पूरी तरह विफल हो गया है, जबकि अन्य विभागों से अच्छी आय हुई है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक नगर रचना विभाग की ओर से राजस्व प्राप्त किया गया है। गत वर्ष नगर रचना विभाग से केवल 10,11,00,000 की आय हुई थी। हालांकि दौर कोरोना के संकट काल का था, किंतु इस वर्ष भी त्रासदी होने के बावजूद अब तक नगर रचना विभाग ने 111,42,00,000 की आय प्राप्त की है। एक और नगर रचना विभाग अच्छी आय प्राप्त कर रहा है, वही स्थावर विभाग सस्ती दरों पर अपनी संपत्ति लीज पर दिए जाने के बावजूद लीज धारकों से वसूली करने में नाकाम रहा है। इससे विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। लीज धारकों से वसूली क्यों नहीं हो पाई, इसे लेकर अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। इसके अलावा पानी से गत वर्ष मनपा को केवल 80,83,00,000 की आय हुई थी, जबकि इस वर्ष 92,31,00,000 तक आंकड़ा पहुंच गया है। संपत्ति कर विभाग में भी 21% अधिक वसूली आंकी गई है। बाजार विभाग द्वारा भी इस वर्ष अच्छी वसूली की गई है। गत वर्ष 1,58,00,000 की वसूली हुई थी, जबकि इस वर्ष 3,08,00,000 रुपये का राजस्व जमा हुआ है। अच्छा, सभी मध्य 11,62,49,541 रुपयाला आपण प्रशासकीय मंजुरी दिली आणि त्याचप्रमाणे निविदा मंजुरी म्हणून आपण 10,42,16,561 रुपयांना निविदा मंजुरी दिली। माझ्या संपूर्ण कार्यकाळाचा जर विचार केला तर प्रशासकीय मंजुरी आपण संपूर्ण काळात 61,62,51,577 रुपयाला एकूण प्रशासकीय मंजुरी दिली, पण निविदा मंजुरी आपण
आजपर्यंत 93,61,22,842 रुपयाला आपण मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे मागच्या वर्षीचा कोरोना काळ असल्यामुळे कोरोना काळात फार कमी प्रकारचं उत्पन्न कमी उत्पन्न झालं होतं. नगर रचनामध्ये मागच्या वर्षी या वेळेसपर्यंत फक्त 10,11,46,174 रुपये उत्पन्न झालं होतं, पण आजच्या डेटपर्यंत आज या वर्षी याच डेटपर्यंत आपण 111,42,12,577 रुपयेचं आपण आतापर्यंत उत्पन्न केलेलं आहे. ॲक्च्युली आम्ही बजेट तयार करत असताना फार मोठ्या प्रमाणात कोरोनाची परिस्थिती होती आणि यावर्षीसुद्धा अशीच परिस्थिती राहील का ही आम्हाला शंका होती, पण त्या शंकेवर नंतर बजेट कोरोना सुधारला आणि आम्ही फक्त 86 करोडच रुपये नगर रचनामधून येईन असा कल आमचा होता. पण आजच्या परिस्थितीत आजच हा टार्गेट जे आमचं टार्गेट आहे हो तो 86 करोडच्या आज आजच आम्ही 10व्या महिन्याच्या शेवटी आम्ही 111,11,00,000 आहे. आमचा मानस अजूनही 300 करोडच्या वर जाण्याचा आहे आणि त्या पद्धतीचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. आणि मागच्या वर्षी वर्षभरात गुंठेवारी, कारण गुंठेवारी नागपूरात कॉर्पोरेशनमध्ये असल्यामुळे मागच्या वर्षभरात 66 करोड झाले आणि यावर्षीसुद्धा गुंठेवारीचे 26 करोड झाले, पण ते काही दिवसपर्यंत आमच्या कॉर्पोरेशनकडे ती गुंठेवारी होती, नंतर ते NIT कडे अशी चालल्या गेल्यामुळे नंतर त्याचं उत्पन्न स्टॉप झालं. त्याचप्रमाणे बाजार विभागामध्ये आम्ही मागच्या वर्षीच्या 1 ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत 158 लाख रुपये आमची आवक होती आणि यावर्षी मात्र 308 लक्ष म्हणजे अर्थातच 149 लक्ष रुपये आमची आवक जास्त झालेली आहे. बघ तो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. नागपुर के धर्मनगर और नवकन्या नगर में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद वहां बिजली नहीं है और यह नागपुर प्रशासन की निकामी है. इसके विरोध में मनसे के हेमंत गडकरी ने कंदिल आंदोलन किया. आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए लेकिन उपराजधानी नागपुर में धर्मनगर और नवकन्या नगर जैसे कई इलाके हैं जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है, जो बहुत शर्म की बात है. ये कहना है मनसे नेता हेमंत गडकरी का. उन्होंने नागपुर महानगर पालिका प्रशासन के खिलाफ कंदिल आंदोलन कर सोए हुए मनपा प्रशासन को जगाने का प्रयास किया. इस दौरान नागपुर मनपा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. इस आंदोलन में बड़ी संख्या में मनसे कार्यकर्ता कंदिल लेकर उपस्थित थे. ने हमेशा ही जनहित के उपलक्ष्य में आंदोलन किए हैं. आज एक कंदिल मोर्चा के माध्यम से हमने सोई हुई सरकार को जगाने का, फिर वो चाहे मनपा में भाजपा की सत्ता हो या राज्य में महाविकास नाम की भकास आघाड़ी की सत्ता हो, इन सबको एक इशारा दिया है कि अभी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर वो बिजली नहीं दे सकते तो पाँच पाँच साल जो सत्ता में रहते ये लोग आखिर करते क्या है. आज बिचारी सर्वसामान्य जनता अंधेरे में रह रही है. वो क्या आदमी नहीं है यहाँ पे रहने वाले लोग? यहाँ के छोटे छोटे बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं है. सिर्फ अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आएंगे तो ये मत मांगने के लिए आगे आएंगे. ये ऐसे निष्क्रिय सरकार का निषेध करते हैं और आने वाले दिनों में अगर इनके कारोबार में सुधार नहीं आया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने स्टाइल से आंदोलन करेंगे. अभी कंदिल में रहने का समय इस सरकार ने लाया है. ये नौबत जो इस सरकार ने लाई है उस सरकार का निषेध करने के लिए और जल्द से जल्द ये धर्मनगर और नवकन्या नगर इसमें तुरंत बिजली आना चाहिए
ये मांग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज एक कंदील मोर्चा का ऐलान किया था और यहाँ के धर्मनगर और नवकन्या नगर के सभी नागरिकों ने इस मोर्चा को बेशर्त पाठिंबा दिया है और यहाँ की जनता पवन साहू के साथ में है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ में। कुही में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कृषि अधिकारी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाकर परिजनों ने कुही पुलिस थाने का घेराव किया और थाने के सामने शव लेकर तहसील कृषि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया था। मृतक कुही के प्रभाग क्रमांक 7 निवासी पंकज रविंद्र बावनकुले बताया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंकज निजी गाड़ी चलाता था। 4 दिन पहले उसकी चौपहिया वाहन की कुही के तहसील कृषि अधिकारी प्रदीप पोटदुखे की कार के साथ टक्कर हो गई थी। मृतक के पिता ने कुही पुलिस थाने में दर्ज की शिकायत के अनुसार जब से पंकज की गाड़ी की टक्कर कृषि अधिकारी की गाड़ी के साथ हुई तब से वह मानसिक तनाव में था। इस घटना के बाद से ही पंकज की गाड़ी कुही पुलिस चौकी में खड़ी थी। इसके अलावा कृषि अधिकारी पोटदुखे भी उनकी गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई के रूप में 40,000 रुपए की मांग कर रहे थे, परंतु पंकज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने तथा कृषि अधिकारी के तकाजा से परेशान होकर उसने गुरुवार की शाम करीब 6 बजे अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता रविंद्र बावनकुले ने कृषि अधिकारी पर पैसों की मांग करने और मानसिक रूप से परेशान कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कृषि अधिकारी प्रदीप पोटदुखे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने शव को सीधे पुलिस थाने ले जाकर तहसील कृषि अधिकारी को थाने में बुलाने की मांग की और जब तक वे नहीं आते तब तक शव को वहां से नहीं हिलाने की बात पर अड़े रहे। कुही के थानेदार चंद्रकांत मद ने उस समय सोनारवाह में बंदोबस्त पर थे। संबंधित घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस स्टेशन पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास उन्होंने किया, परंतु ग्रामीणों ने पोटदुखे से चर्चा करने की शर्त रखी। ऐसे में थानेदार मदने ने कृषि अधिकारी से फोन पर संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन वे उच्च स्तरीय बैठक में व्यस्त होने की जानकारी दी। इसके बाद थानेदार मदने और उपनिरीक्षक देवीदास ठमके ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, पश्चात ग्रामीणों ने थाने से शव को उठाया। नागपुर के जरीपटका पुलिस स्टेशन के साथ 6 महीने से मायके में रही पत्नी को पति ने लोहे की रॉड मारकर बुरी तरह जख्मी कर देने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने ससुराल में जमकर तोड़फोड़ की और करीब 30,000 रुपए का नुकसान भी कर दिया। आरोपी का नाम कोराडी विद्युत विहार कॉलोनी निवासी निखिल अरविंद निम्बालकर बताया जा रहा है। जरीपटका पुलिस स्टेशन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक निखिल की पत्नी प्रियंका कोराडी पावर प्लांट में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। बताया गया कि प्रियंका और निखिल की ये दूसरी शादी है। पहले निखिल भी नौकरी करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह बेरोजगार था और इसी बात पर पति और पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। इससे परेशान होकर प्रियंका न्यू इंदिरा लाइन लोहापुर में अपने मायके चली गई। उसे अपने मायके आए 6 महीने हो गए थे और बार बार बुलाने के बाद भी वह निखिल के घर नहीं आ रही थी। ऐसे में दोपहर करीब 5 बजे निखिल अपने ससुराल पहुंचा। वहां उसने प्रियंका की मां रेखा शंभरकर और बहन अंकिता शंभरकर से झगड़ा और फिर मारपीट शुरू कर दी। निखिल के हाथ में लोहे की रॉड थी। बीच बचाव करने पहुंची प्रियंका के सिर पर निखिल ने रॉड मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके बाद निखिल ने घर में रखी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल और बाकी चीजों की तोड़फोड़ की और वहां से चला गया। प्रियंका की शिकायत पर जरीपटका पुलिस ने मामला दर्ज कर निखिल को गिरफ्तार कर लिए जाने की जानकारी जरीपटका पुलिस ने दी है। पूर्व नागपुर आरटीओ कार्यालय में बोगस दस्तावेज पेश कर लाइसेंस बनाने का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में बिहार निवासी मोहम्मद खुर्शीद मोहम्मद इद्रिस और राजेश नामदेवराव मेश्राम का समावेश है। आरोपी मोहम्मद खुर्शीद ने खुद का दूसरा बोगस आधार कार्ड तैयार किया था। ये बोगस आधार कार्ड के साथ कलमना थाने के तहत आने वाले पूर्व नागपुर आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसी तरह दूसरे आरोपी राजेश मेश्राम ने भी बोगस दस्तावेज के साथ आवेदन किया था। गुरुवार की शाम 4 बजे आरटीओ निरीक्षक वीरसेन ढवले को दोनों आरोपियों के दस्तावेज बोगस होने का संदेह हुआ। उन्हें जांच करने पर दस्तावेज बोगस होने का पता चला। इसके चलते निरीक्षक ढवले ने मामले की जानकारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रविंद्र भुयार को दी। अधिकारी भुयार के निर्देश पर कलमना पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बोगस दस्तावेज से लाइसेंस बनाने वाली टोली के नागपुर में भी सक्रिय होने की आशंका है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेलवे का लोहा चोरी कर बेचने वाले 2 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम दीपक शाह मुरारी बेतवाल और इफ्तेकार अहमद मुश्ताक अहमद बताए गए हैं। दोनों मोमिनपुरा परिसर में रहते हैं। रेलवे पुलिस फोर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार को सूचना मिली
कि कुछ लोग रेलवे का लोहा चोरी कर रहे हैं। इस दौरान गश्त पर मौजूद आरपीएफ सीआईबी के उपनिरीक्षक आरके यादव व विनोद खरमाटे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां दीपक और इफ्तेकार को लोहा चोरी करते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने सैफीनगर स्थित एक दुकान का पता बताया जहाँ वे चोरी का लोहा बेचते थे। स्थानीय पुलिस की मदद से आरपीएफ टीम उक्त दुकान पर पहुंची और वहां से टायर रॉड के टुकड़े, टाइबर पट्टी के टुकड़े, फिश प्लेट, ओएची बार के टुकड़े, कचरा कुंडी समेत 663 किलोग्राम का लोहा जब्त किया गया। इसकी कुल कीमत 25,857 रुपए आंकी गई है। हालांकि आरपीएफ ने वजनी कांटा और एक कटर मशीन समेत 29,857 रुपए का माल जब्त किया। दुकान के संचालक सैफीनगर मोमिनपुरा निवासी अब्दुल वाहिद अब्दुल हमीद को गिरफ्तार किया गया। मामले में दो आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। तो सुबह के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।